नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। हरा सा एगो सिंघाड़ा दे। अच्छा, वो सिंघाड़ा कल के खाए के हमारा फेन ये हमार घर हम सिंघाड़ा देव फेन बच्चा हमार गेले ओकर घर गेले तो अंदर से के बड़ी दोनों लगा दिल के ले मन लड़को वो अंदर में है और लड़की अंदर में है तो हमार बच्चा कहने लगले तो वो आवाज बस सुन लिए तो दोगले गेलिए के बड़ी ठक ठकाई लिए और कहलिए हो खोलो दरवाजा तो नहीं खोले फिर एक आध घंटा आधा घंटा बाद खोल के बारी तो वह हो गए तो फिर पचा लिए दो तीन गो लेडीज के देखे के कल के ना तो सन थाना में जो ऐसे ऐसे करी केस करी फलना करी तो वैसे कर लिए तब जब हम कहलिए देखो केस करबो की करबो तो कल के केस कर भी तो मारबो देखो हमरो मार के था लड़का के था लड़का देखो क्या नाम था उसका वो नाम है उकर नाम डाक का है दुखना। अच्छा, उकर नाम है धनम धनमवीर सा। हाँ, गोरकी के बेटा। कहाँ का है? मरैया के। अच्छा, कहाँ पर है उसका घर? कहाँ पर है वो घर? है मरैये। आपके घर के सामने है? हाँ। पहले से भी कुछ था? कुछ क्या ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ इस तरह का घटना करेगा? ना, इस तरह का कभी ऐसा और सुरक्षा का बात आपको पहले भी लगा था? ना, कुछ नहीं। पुलिस को सूचना दी थी आप? हाँ, पुलिस का तो क्या कोई गिरफ्तार हुआ है लड़का? हाँ, थाने में है। थाना में गिरफ्तार हो गया है? हाँ। क्या बोल रही है, सुनिए। रात भर क्या हुआ? रात भर वहाँ थाने में 10 बजे वहाँ से गाड़िया गेले। हाँ। गाड़िया हम से नीचे हलिए हमी हमारे ससुर तब रात भर थाने में रख दिल के केकरा थाना में रखल के हमरा सनी के रात भर थाने में होलिए। क्या क्या बोल के थाना में रखा? कल के हियाँ बड़ बाबू आई थे। हाँ। अब रे एगो की नाम का है हाँ मुंशी आई थे फलना आई थे चिलना आई थे यह करके बैठा गया मैडम के लिए मैडम से बात ले। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? चेक करवा बाबा जी, उसका चेक करा आरोपी को सजा। पुलिस आया आपके साथ में? ना, पुलिस नहीं, आदमी आ रहे पीछे से सब गांव वाला। गांव वाला सर थाना में। क्या नाम हुआ आपका? थाने में आपको क्या सहयोग? आपका क्या नाम हुआ? राकेश सिंह। जरूरत कहाँ पड़ रही है? इसमें तो घटना सामने है, मुद्दा सामने है, मुद्दे ही सामने हैं, जिनके साथ घटना घटी है वो सामने हैं। तो फिर इसमें अलग से क्या सोचना है? बस यही सोचना है कि प्रशासन अपना कार्रवाई शुरू करें और हम लोग से जो सहयोग होगा हम लोग उनका सहयोग करें, और नहीं तो फिर हम लोग उनको सहयोग देने के बजाय उनसे फिर सहयोग लेना शुरू कर देंगे। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि जो भी गलत हुआ है उस पर न्याय मिले। हाँ। माँ को मिले, बच्चे को न्याय मिले और समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज जाना चाहिए प्रशासन के तरफ से। हम यही चाहेंगे कि अब जो गलती और हर जगह हो रही है वो इस घटना में ना हो और फिर दोहराया भी ना जाए। हम लोग तो यही चाहेंगे। हम लोग क्या हर लोग सबको यही चाह रहे हैं कि ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि ये बहुत ही घटना निंदनीय है। इसका जितना भी निंदा किया जाए, जितनी भी की बातें की जाए, सब 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 से ऊपर उठ करके बस एक ही बात करता है कि ये घटना आइंदा अब ना हो। इसके लिए जो भी करना पड़े समाज में, प्रशासन को, हम लोगों को स्पेशली, और जो लोग हैं उन लोगों को, जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, कम से कम उन लोग भी तो इस बात में आए सामने, उन लोग भी तो पहल करें और सहयोग करें। नाम प्रमिता देवी है और मैं मानवाधिकार में झारखंड और बिहार की प्रभारी हूँ। थोड़ी देर पहले नाम बताई है अपना और उस आदमी को पहचानने के लिए जब हमने कहा तो कहे कि हाँ पहचान सकते हैं। पुलिस से बात की? कौन लोग? पुलिस से किसी से भी बात नहीं हुई। इन लोग को रात भर थाने में आपसे बात की? मेरी बात नहीं हुई अभी पुलिस से। अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं, तो जाकर मैं पुलिस से फिर बात करती हूँ। आपको क्या लग रहा है इस मामले में? देखिए, जब तक ऐसे तो बच्ची के कहने या माँ के कहने पर लग रहा है कि इसके साथ वही है हुआ है। जैसे ही हमको पता चला कि इसके साथ दुष्कर्म का मामला है जी, तो मैंने पुलिस को लिखित दे दिया और दूरभाष पर भी मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है। अब वहाँ से कागज़ बन के आएगा, जो लोग जो है ना एग्जामिन करेंगे उन लोगों को कह दिया है जी। वो लोग तैयार बैठी हुई हैं, कागज़ बन के आएगा,
किस किस बिंदु पर जांच होना है वो जांच किया जाएगा। तो सर कितना देर पहले आपके तरफ से ये जानकारी दिया गया या हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, ये जानकारी सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को नहीं है। हम लोग का हमारा कार्य क्षेत्र जो है ना सदर अस्पताल के अंदर है। सदर अस्पताल के बाहर क्या क्या है ये हमारे जो है ना वो सिविल सर्जन ही बता सकते हैं, वही ऑथराइज हमको कर देंगे तो हम गिनती गिन के बता देंगे हम भी, है ना। चूँकि हम ऑथराइज नहीं है कि हम पूरा जमुई का सेंसस कर लें इसका, तो हम कैसे बता दें आपको, है ना। आई टोल बात बोल रहे हैं आके तुरंत जो ना लिख दिया। अब घंटा और मिनट तो मैं ही बता सकते हैं, लेकिन ग्रामीण बता रहा सर कि मतलब घंटों बीत गया लेकिन कागज नहीं देगी तब तक हम लोग जाँच कैसे करें। जी जी, है ना। आपके तरफ से कहना है सर? मैं मेरे तरफ से कोई देरी नहीं हुई। जी भेज दिया। मेरे तरफ से कोई देरी नहीं हुई है, मैंने पुलिस को खबर कर दिया है। जी पर्चा एक बार बता दीजिए। मैं DS बोल रहा हूँ, डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद, सदर अस्पताल जमुई। हाँ सदर अस्पताल जमुई। जी कल सौंप दिया जाएगा। जी तो कल जांच रिपोर्ट आने के बाद मतलब कुछ जाएगा, रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक, और कोई विशेष बात? नहीं।